जी शुक्ला, SRG मुरादाबाद। बच्चों, हमें एक सवाल मिला कि हमें 6, 8, 12 का लघुत्तम समावर्त्य बताना है। क्या बच्चों आप लघुत्तम समावर्त्य जानते हैं? नहीं सर, हम लघुत्तम समावर्त्य नहीं जानते। लेकिन क्या आप अपवर्त्य जानते हैं? जी सर, कल आपने हमें सिखाया था कि अपवर्त्य किसी संख्या के कैसे होते हैं, वो उसका पहाड़ा या उस संख्या का प्राकृतिक संख्याओं से गुणन होता है। तो बच्चों, जब ये सवाल हमें मिला 6, 8, 12, हम इनको आपस में बांट देते हैं। आपको 6 दे देते हैं, आपको 8 संख्या और आपको 12। आपको एक खेल खेलना है। ये यहाँ पे कुछ हमने ऑब्जेक्ट रखे हैं, इन ऑब्जेक्टों को चुनकर आपको क्या करना है, इन टेबल्स पे रख देना है। ठीक है बच्चों? अब क्या होता है, राम ने तीलियां चुनी और उन्होंने अपने जो 6 संख्या उन्हें मिली थी, 6 के अपवर्त्यों के घर में उन्होंने उस तीलियों को रख दिया। इसी प्रकार श्याम ने अपने कलर की जो शर्ट है उस कलर के कागज के टुकड़े चुने और जो उन्हें संख्या मिली थी 8, 8 के अपवर्त्य पर उन कागज के टुकड़ों को रख दिया। ऐसे वो रखते चले आते हैं। ऐसे ही मीना को संख्या 12 मिली और 12 की संख्या पे उन्होंने कंकड़ों को रख दिया। जब उन्होंने इस प्रकार से रखा तो ये स्थिति बन के आई। बच्चों, इस स्थिति को ध्यान से देखिए। अब इसमें ये बताइए, ऐसे संख्याओं के कौन कौन से घर हैं जिसमें तीनों ऑब्जेक्ट यानी तीली भी, कागज का टुकड़ा भी और कंकड़ भी मौजूद है? सर, एक संख्या 24 है, एक संख्या सर 48 है और एक संख्या 72। यानी इसमें क्या है, समान अपवर्त्य। इनके कैसे हैं? समान अपवर्त्य। लेकिन हमें क्या चुनना है? सवाल क्या था हमारा? 6, 8, 12 का लघुत्तम समावर्त्य, यानी लघुत्तम माने सबसे छोटा। अब यहां पे समान अपवर्त्य 24 भी है, 48 भी है और 72 भी है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी संख्या है? 24। इसलिए 6, 8, 12 का लघुत्तम समावर्त्य क्या हुआ? 24। अब बच्चों, इस प्रकार से खेल खेल में हम आपको और भी संख्याएं देते हैं और उन संख्याओं के आपको लघुत्तम समावर्त्य बताने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।